नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या घी हमारी सेहत के लिए खराब है, क्या घी हमें मोटा कर देगा। देखो, सबसे पहले तो घी मोटा कर देगा यानी इसके लिए तो बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको घी के अंदर का जो फैट है या कोई भी फैट आपको मोटा तब करेगा जब आप कैलोरी सरप्लस में, मतलब आप जितने ऊर्जा दिन में खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा वो ऊर्जा खा रहे हो, जितनी खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा ऊर्जा खा रहे हो तो धीरे धीरे मोटे लग जाओगे, चाहे वो फैट से खाओ, प्रोटीन से खाओ, कार्बोहाइड्रेट से खाओ, अगर ज़्यादा खाने लग जाओगे तो। कैलोरी सरप्लस में वो तो कई बार जो कैलोरी सरप्लस उससे मसल भी बढ़ने लग जाती है फैट की जगह, ऐसा भी हो सकता है। पर क्या, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, दिन भर पड़े रहते हो और आप सोचोगे फैट खाने से मोटे तो नहीं होते, मेरा वीडियो देख लिया आपने, आपको पता चला फैट खाने से मोटे नहीं होते, मोटे नहीं होते घी खाने से, मोटे नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे, तो हमने दबा दबा करके फैट और घी खाना चालू कर दिया और अब करते कुछ नहीं, पड़ रहे तो कैलोरी सरप्लस में चले गए, कोई कसरत नहीं, कुछ नहीं, तो वो फैट में जमा होने लग जाएगा, जो आप ऊर्जा कम खर्च कर रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, वो फैट में जमा होने लग जाएगी। तो मोटा होने का तो सीधा सीधी बात यह है कि भूख सल का कम खाओ और फैट या घी, घी भी खा रहे हो तो जितनी आप ऊर्जा खर्च करो उससे कम खाना है। आप ऊर्जा नापते नहीं हो तो सीधी सीधी बात है, भूख सल का कम खाओ और थोड़ा दिन भर में कसरत या फिर कुछ काम, घर के काम या बाहर के काम, ऐसे पैदल आना जाना, बाहर के काम पैदल आके जाके कर लिए, औरतों तो घर के काम कर लिए, उस तरीके से करते रह सकते हो, करते रहने चाहिए अगर अलग से कसरत नहीं कर रहे हो। अब आते हैं बात कि घी क्या आपकी सेहत के लिए खराब है, क्या आपको बीमारियां दे सकता है। देखो, साइंस विज्ञान का ऐसा कहना है कि घी में सैचुरेटेड फैट होता है, थोड़े से ट्रांस फैट होते हैं। तो कुछ विज्ञान का ऐसा कहना है कि सैचुरेटेड फैट और जो दूध में जो ट्रांस फैट है ये हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं। कुछ साइंस का ऐसा कहना है कि नहीं, ये हमारे लिए नुकसान नहीं कर रहे, ठीक है। साइंस के दोनों मत हैं, नुकसान कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते। अब जब साइंस के दोनों मत है तो हम किसकी सुने। पहले साइंस का मत था कि सैचुरेटेड फैट नुकसान कर सकता है, फिर कुछ साइंस है जिसका कहना था कि नहीं, सैचुरेटेड फैट नुकसान नहीं कर रहा, कुछ हद तक इस तरीके से कुछ कुछ बातें हैं। तो अब हम किस पर विश्वास करें, अगर साइंस कन्फ्यूज है तो किसकी सुने, आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद कन्फ्यूज नहीं है। आयुर्वेद 100 साल पहले जो कहता था वही 1000 साल पहले कहता था और वही शायद कई और हजारों सालों पहले कहता था और आज भी वही कह रहा है और आगे वही कहता रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान से नहीं आया, वो आयुर्वेद के शास्त्रों के हिसाब से वो देवताओं से आया है, तो वो बदलता नहीं है, वो जो जो पहले कह रहा था वही अभी भी कह रहा है। पर साइंस क्या बदल जाता है, जैसे आज से करीब 1950-60 के आसपास साइंस ने कहा कि हमारी रोज की प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो करीब 110 ग्राम के आसपास है लगभग, और फिर आज के टाइम में वही चीज़ विज्ञान के हिसाब से करीब, हमारे को एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, एक आम आदमी को उस वक्त अगर 110 ग्राम की प्रोटीन की रोज़ की ज़रूरत बताई थी तो आज साइंस के हिसाब से वही ज़रूरत लगभग 50 ग्राम के आसपास है, 40-50 ग्राम के आसपास है। तो साइंस तो क्या है, विज्ञान तो क्या है, अभी कुछ कह रहा है तो हो सकता है बाद में वो अपनी बात काट देता है, ऐसा भी हो जाता है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा विज्ञान एकदम ही गलत है, ऐसा भी नहीं है, मतलब विज्ञान को फेंक दो और सब कुछ छोड़ दो विज्ञान को, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर मैं एक बात कह रहा हूँ। पर आयुर्वेद जो पहले कह रहा था वही अभी भी कह रहा है, वही आगे भी कह रहा है, तो हम आयुर्वेद की सुन लेते हैं जब विज्ञान कन्फ्यूज है। देखो, आयुर्वेद के हिसाब से दूध हमारी अच्छी सेहत का एक ज़रूरतमंद हिस्सा है, घी हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमें घी खाना चाहिए रोज़, दूध दूध की चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी है, दूध, छाछ, दही, ऐसे ये चीज़ें। तो अब बात करते हैं अलग से घी की। घी, आयुर्वेद का कहना है घी जो हमारे शरीर में, आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरीके के दोष हो सकते हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात क्या होती है, शरीर में वायु बढ़ती है, उसमें वायु बढ़ती है तो बीमारियां आती है, तो क्या है घी शरीर में वायु बढ़ी हुई को कम करता है, ऐसा नहीं आपने आज घी खा लिया सारी वायु कम हो जाएगी, पर वो वायु को कम करता है, उसमें कारगर है काफी। और वायु जो वात दोष है जिसमें वायु बढ़ती है, वात दोष जितनी भी बीमारियां बाजार में है उसमें सबसे ज्यादा बीमारियां वात दोष के कारण होती है, ऐसा भी माना जाता है। और जितना मुझे एक नंबर का ध्यान है कि 100 बीमारियां अगर बाजार में है तो जिनमें से करीब 60 वात दोष के कारण होंगी और लगभग 20 और 20 पित्त दोष और कफ दोष के कारण होंगे, कहने वाला है कि वात दोष के कारण काफी ज्यादा बीमारियां होती है। अब बात ये बात, हमारे पूर्वज बहुत घी खाते थे, आपने सुना होगा शायद, हमारे पूर्वज बहुत घी खाते थे और साथ में शारीरिक काम भी करते थे, औरतें घर का काम करती थी और आदमी बाहर गए, उस बाहर पैदल आना जाना होता था या ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल,
आज से काफ़ी साल पहले तो पैदल ही, जैसे कोई सामान लाना है तो पैदल चले, कहीं किसी से मिलने जाना तो पैदल जाते रहते थे। उस वक्त गाड़ियाँ, टैक्सियाँ और पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, और हमारे पूर्वज इतना घी खा करके 100 सालों तक जी के भी गए हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे घर के आसपास गली, उस गली में, उस गली में ऐसे आसपास की जगह मोहल्ले में एक 103-104 साल की औरत मुझे याद है, एक 102-103 के आसपास की मेरे को एक बार याद है। और अभी भी कुछ टाइम पहले तक भी 95 साल के लोग मिलते रहते हैं, 95-97-98। अब ये उम्र थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि हमारे खान पान में मिलावट आ गई है, सब्जियों और अनाज पे छिड़काव होता है, इंजेक्शन से सब्जियां बड़ी करी जा रही हैं रातों रात ताकि जल्दी बेची जा सके, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, उसे पूरी करने के लिए लोग गलत काम करने लग गए हैं क्योंकि उससे पैसे बना सकते हैं। और पर ये उम्र जैसे जैसे कम होती जा रही है कि 95 की 90 हुई, 90 की 85 हुई, ऐसी उम्र धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और हम इसको वापस सही कर सकते हैं अगर हम आसपास अपने पॉल्यूशन जो गाड़ियों से हो गया जो कि पहले नहीं था, इसे दूर करते हैं। खान पान में जो मिलावट हो रही है, जो गायों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जो सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उन पर छिड़काव हो रहा है, इन सबको अगर हम हटा दें, या जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियों से केमिकल ज़मीनों पर डाले जा रहे हैं जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, वो केमिकल हमारे खाने में आ जाते हैं, हम इन सबको दूर कर दें तो वापस हमारी उम्र बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात कि हमारे पूर्वज घी खाते थे, अच्छा खासा ठोस शरीर होता था उनका और वो चलते थे। ये हमें दिखाता है कि घी हमारी सेहत को नुकसान तो नहीं करता होगा, अगर करता होता तो वो इतना लंबा कैसे जीते और वो भी अच्छे खासे शरीर के साथ, चलते फिरते शरीर के साथ। हाँ, वो दूध जो जिसमें कुछ खराबी है उस दूध से बना हुआ घी आपको नुकसान कर सकता है। जैसे गायों को इंजेक्शन लगाया तो वो जो हार्मोन थे गायों को इंजेक्शन लगाया वो दूध में आया, दूध में आया तो दूध की सब चीज़ों में आएंगे, उस दूध से बना लिया, उस दूध से अगर दही जमा गया हमने घी बनाया तो या उसकी मलाई से घी बनाया तो उसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो उसका जो फैट होता है दूध का उस पर चिपक जाते हैं, समझ लो ऐसे समझ लो, उस पर चिपक जाते हैं। फिर वो फैट आप दूध पी करके अंदर ले हो या मलाई के रूप में अंदर ले हो या फिर उसका क्रीम निकाल के अंदर ले हो या फिर उसका दही जमा के अंदर ले हो या फिर उसका घी निकाल करके मक्खन निकाल के अंदर ले हो, फैट के साथ में अंदर चले जाएंगे। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो दूध उबाल लूँ 2-3 बार तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो रहते हैं। तो गायों को इंजेक्शन दिया जा रहा है या फिर गायों को जो चारा दिया जा रहा है वो मैंने बताया आपको उन ज़मीनों से आ रहा है जहाँ पे इंडस्ट्रियों के या फैक्ट्रियों के केमिकल डाले जा रहे हैं, वहाँ पे खेती हो रही है तो उस घास में उस अनाज में वो केमिकल आ रहे हैं क्योंकि वो उस मिट्टी में मिल गए थे, तो मिट्टी के साथ में उसमें आ रहे हैं क्योंकि वो मिट्टी से ही उग रहा है, वो गायें खा रही है तो गायों के अंदर वो केमिकल जा रहे हैं तो उसके दूध में भी आ रहे हैं, दूध में आ रहे हैं तो हमारे शरीर में जा रहे हैं, घी के तौर पे, एक दूध के तौर पे, दूध की चीज़ों के तौर पे। दूध अगर आपको ख़राब आ रहा है तो आपका घी आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि उसी दूध से बन रहा है, या अगर आप घी सीधा बाजार से ला रहे हो और वो ख़राब दूध से बना हुआ है तो आपको नुकसान कर सकता है। उसमें मिलावट, आजकल घी में मिलावट भी कर देते हैं, सस्ते तेल मिला देते हैं और ये सब, घी में गड़बड़ है तो गड़बड़ हो सकती है। अब आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जहाँ पे घी बंद होता है, जहाँ पे शायद ये कंवारपाठा जो होता है, कंवारपाठे का रस दिया जाता है उस घी की जगह, मतलब मेरे को मेडिसिन लाइन, मैं मेडिसिन लाइन का नहीं हूँ, मतलब मैं दवाइयाँ नहीं बताता, पर मैं जितना मुझे कुछ ज्ञान है आयुर्वेद का और जो भी मेरे पढ़ लेता हूँ मेरे को पता चलता है उसमें कुछ कुछ बांट देता हूँ, पर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पे घी बंद होता है आयुर्वेद में। पर अगर आप सेहतमंद इंसान, आपको कोई बीमारी नहीं, आप चलता फिरता शरीर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो अगर आप सेहतमंद इंसान हो तो आपके लिए घी फायदेमंद ही है आयुर्वेद के हिसाब से। अगर आपको ये बात पता चली कि घी आपके लिए फायदेमंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आन दो घी, आन दो घी, आन दो, 1 किलो घी पी लेंगे भाई, आधा किलो घी पी लेंगे, 100 ग्राम घी पी लेंगे, ऐसा नहीं है। घी अगर आपको ये पता चला कि फ़ायदेमंद है, घी के नुकसान नहीं है, अगर हम दिन भर में शारीरिक हमारा व्यायाम होता है, हम घर का काम वाम करते हैं, बाहर आते पैदल जाते पैदल वगैरह, हम जिम जाके कसरत भी कर लेते हैं, अगर हम अच्छी खासी ऊर्जा खर्च करते हैं, हम पूरे दिन बैठे नहीं रहते, हमारा चलता फिरता शरीर है, तो हम थोड़ा और घी खा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, तो घी धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसा 1 चम्मच बढ़ा दिया, फिर कुछ दिन 1 चम्मच बढ़ाई रखा, फिर 1.5-2 चम्मच बढ़ाया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो आप, जब तक कि आपको लग रहा है कि हाँ मतलब मैं पचा पा रहा हूँ घी। आप कहोगे मेरे को कैसे पता चलेगा मैं पचा पा रहा हूँ, यानी मैं अंदर थोड़ी देख सकता हूँ, ठीक बात है, लेकिन कोई चीज़ शरीर नहीं पचा पाता तो वो उसके संकेत दे देता है, हो सकता है वो दस्त लगने लग जाए, हो सकता है आपको पेट दुखने लग जाए, पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, शरीर आपको इशारा कर सकता है कि यार ये नहीं पच रहा,
पर ऐसा भी नहीं है कि एक साथ बहुत सारा घी खा लिया या फिर एकदम से बहुत सारा घी बढ़ा लिया, ऐसा ही नहीं। पर साथ में घी खा रहे हो, फैट में 9 ग्राम, 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरी होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। घी खा रहे हो, कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो जो खाना खा रहे थे उसके ऊपर, या उसके मतलब उसमें और थोड़ा घी बढ़ाया है तुमने, तो तुम्हारा जो शारीरिक जो भी तुम ऊर्जा खर्च कर रहे हो, चलना चलना फिरना करके काम या बाहर के काम या कसरत, वो भी होती रहनी चाहिए। तो ये मैं तुम्हें कहूँगा कि घी से जुड़ी हुई बातें हैं जो आयुर्वेद में भी, जिसका मत आयुर्वेद में भी है, जिसका साइंस भी विज्ञान भी उस पर जो कह रहा है, ये सब इस तरीके की बातें हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, और तुम ये लोगों के साथ में बांट भी सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी काम की बातें हैं मेरे हिसाब से। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।